हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बिस्किट केक बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ये डाइजेस्टिव बिस्किट की सहायता से हम बनाएंगे। इसमें ना ही हमने कोई ओवन का इस्तेमाल किया है, ना ही गैस का और ना ही कुकर का, ना ही इनो का और ना ही किसी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं, और आप देख सकते हो इसमें मैंने दो तरह के बनाए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ये वाला बिस्किट बना सकते हो जिसको मैंने गनाश से पूरा कोट किया है, और अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो ये दूसरा वाला बना सकते हो। देख सकते हो इसको मैंने ज़्यादा इसमें ना ही गनाश का इस्तेमाल किया है और इसको कोट भी नहीं किया है, ओनली ऊपर मैंने गनाश डाला है। आप इसकी लेयर देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है ये, और ये मेरा फेवरेट भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डाइजेस्टिव बिस्किट लेंगे। एक पैकेट जितना लिया है, आप इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, इससे हम गनाश बनाएंगे। तो ये कोको पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून जितना, और यहाँ पर मैंने बटर लिया है, मैंने घी लिया है, आप चाहो तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3 टेबलस्पून। और ये शुगर है, पीसी हुई शक्कर है, 3 टेबलस्पून, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो 2 टेबलस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको एकदम जेंटली मिक्स करना है, बिल्कुल आराम से मिक्स कीजिए। और मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हम बर्बन बिस्किट लेंगे, यहाँ पर हम इसको भी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 बर्बन के बिस्किट्स लूंगी, और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो ग्राइंड बूरा है इसको हम गनाश में मिक्स करेंगे, इसकी थिकनेस और अच्छी हो जाएगी इसकी वजह से। ये देखिए, इसलिए मैंने कहा था ना आपको कि शुगर इसमें थोड़ी कम भी ले सकते हो। सो अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, आप चाहो तो बीटर की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो। सो ये देखिए, हमारा गनाश एकदम अच्छे से तैयार हो गया। और अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हो। यहाँ पर मैं 2-3 बर्बन के बिस्किट और लूंगी, और इसको क्रम्बल करेंगे, मतलब हम इसके बारीक बारीक टुकड़े कर देंगे। जस्ट हाथों से ही करने, इसको ज्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारे क्रम्बल बर्बन बिस्किट तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं एक बाउल में 2 टेबलस्पून जितना पानी लूंगी, नॉर्मल वाटर लिया, और उसमें मैंने कॉफी ऐड किया 1/2 टेबल स्पून, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉफ़ी का जो पानी मैंने तैयार किया वो लिया, और गनाश लिया है, और ये हमारे मैरी गोल्ड मैरी डाइजेस्टिव बिस्किट। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको एक एक करके कॉफ़ी वाटर में डिप करेंगे। ये देखिए, आप कम से कम 5 काउंट्स तक इसको रखिए उसमें, और उसको निकाल कर अपने प्लेट में रख दीजिए। अब इसके ऊपर हम गनाश डालेंगे। तो लग रहा है ना कि पूरा केक का प्रोसेस चल रहा है। तो ये हमारा मिनी केक तैयार होने वाला है। ये देखिए, एकदम प्यार से उसको स्प्रेड कीजिए गनाश को, और इस पर हमने जो क्रम्बल तैयार किए थे बर्बन बिस्किट के, वो उसके ऊपर पूरा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए, हमने एकदम अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर फिर से एक डाइजेस्टिव बिस्किट लेंगे, उसको फिर से कॉफी के पानी में डिप करेंगे, 5 काउंट्स याद रखना, और उसके बाद उसको उसके ऊपर फिर से रख देंगे। तो अभी फिर से इसके ऊपर मैं गनाश डालूंगी, ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा। आपको जितना बड़ा केक बनाना है उसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से आप उसमें ऐड करते जा सकते हो। तो ये देखिए, सेम प्रोसेस मेरा चालू हो चुका है। सो ये काम बच्चों को भी दे दिया जाए तो वो भी बहुत ही मजे से करेंगे, सो दे कैन ऑल्सो डू दैट। ये देखिए, तो ये हमने पूरा टॉवर तैयार कर दिया, यहाँ पर देख रहे हो। अब हम इसको एकदम अच्छे से कोट करेंगे, जिस तरह से हम केक को पूरा कोट करते हैं क्रीम से, वैसे ही यहाँ पर हम गनाश को अच्छे से कोट करेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही कम गनाश यूज़ करी, बिकॉज बहुत मीठा है ये। सो ये देखिए,
हमने इसको एकदम अच्छे से कोट कर दिया है पूरा। लग रहा है ना हमारा मिनी केक तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा वाला एक और बिल्डिंग तैयार करते हैं हमारी केक की, जिसमें क्रीम बहुत ही कम यूज़ होने वाला है। तो ये देखिए सेम तरीके से मैंने बिस्किट को डिप किया है कॉफ़ी में और उसके ऊपर मैं गनाश स्प्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम बीच में जो बर्बन बिस्किट है वो नहीं स्प्रेड करेंगे, ओनली सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। बिस्किट को डिप करो, कीप इट ऑन दैट, और उसके ऊपर गनाश। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, और लास्ट में मैं ऊपर उसके गनाश थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंकल्स करेंगे। आप चाहो तो कुछ भी स्प्रिंकल, कलरफुल जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने जो लिया है वो सिल्वर बॉल्स ली है। ये देखिए सिल्वर बॉल्स को मैं एकदम अच्छे से स्प्रिंकल करूँगी उसके ऊपर, सो इट विल लुक मोर डिलीशियस एंड ब्यूटिफुल। सो देखो ये हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए। सो 1 घंटे के बाद हमारा केक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है उसके ऊपर टूट पड़ने के लिए। बट पहले हम इसको काटेंगे। अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरा भी काटेंगे जो कि मेरा फेवरेट है। सो लुक एट दिस, इंस्टेंट केक हमारा तैयार हो चुका है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा चैनल पसंद है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।